हेलो तो भाइयों, क्या हाल है? आई होप आप सभी ठीक हो गए। तो भाइयों, अभी टाइम हुआ है, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं निकल रहा हूँ दरगाह शरीफ के लिए। कल तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यारत करके आया था, और जब तक मैंने सोचा अब तक यहाँ हैं तब तक जाते रहेंगे, नमाज़ भी अदा करेंगे, ज़्यारत भी करेंगे, और रेडी हो गया हूँ नमाज़ के लिए। पहले नमाज़ पढ़ूंगा या पहले ज़्यारत कर लूँगा बाद में नमाज़ पढ़ दूँगा, कि नमाज़ है 6 बजे की जमात है। तो चलो चल के देखते हैं क्या करना है वहाँ। जैसा माहौल होगा, भीड़ भाड़ अगर कम होगी तो पहले अपने ज़्यारत कर लेंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो नमाज़ पढ़ के फिर ज़्यारत कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर चल रहे हैं। तो चल दिए भाई, पर यहाँ की गलियाँ तो बहुत पतली पतली हैं, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है ना मुझे, यहाँ भूल जाता हूँ यहाँ की गलियाँ वगैरह। तो भाइयों, आ गया मैं नमाज़ पढ़कर, और ये जो शॉप देख रहे हो ये मेरे भाई की है। ये भाई खड़े हैं शॉप पर अपनी, और दरगाह शरीफ़ में आज माशाल्लाह बहुत ही भीड़ भाड़ है। हमेशा ही होती है, आज क्या है, वैसे दरगाह शरीफ़ में हमेशा भीड़ भाड़ ही रहती है, क्योंकि गरीब नमाज़ के दरबार पर हर कोई आना चाहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह आता भी है। गरीब नमाज़ बुला जिसे बुलाते हैं वो आता भी है। आप देख रहे हो कितनी भीड़ भाड़ है, और मैं भी फिर ज़ियारत के लिए गया। फिर ये कव्वाली वगैरह हो रही थी, मैंने थोड़ी देर कव्वाली वगैरह सुनी, और तो भाइयों आ गए रूम पर, ज़्यारत भी कर ली, नमाज़ भी अदा कर ली। थोड़ी देर बाद जो आपने शॉप देखी होगी वो मेरे भाई की शॉप थी, जो उसकी दरगाह के अंदर ही शॉप है। तो मैं वहीं बैठा था थोड़ी देर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, ज़्यारत करने के बाद, और मैंने थोड़ी ये कैप टोपी ख़रीदी, मुझे अच्छी लग रही थी। कैसी लग रही कमेंट बताना। और मैंने 2-3 चीज़ें और ख़रीदी हैं, वो घर जाकर ही दिखाऊंगा, कि मैंने पैक कर दी, बैग में रख दी हैं। और अभी प्लान बन रहा है तारागढ़ का प्लान बन रहा है। पहाड़ के ऊपर एक काफ़ी अलग अलग तरीके की दरगाहें हैं, वहाँ का प्लान बन रहा है। और अपने सोनू सेठ नहा रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी पानी की आप, तो सोनू सेठ नहा ले, मैं भी चेंज कर लूँ, फिर चलते हैं तारागढ़। तो बने रहिएगा आप। तो भाइयों, रेडी होकर निकल चुके हैं अपने तारागढ़ के लिए, और हमारे साथ हैं हमारे सोनू सेठ। सोनू सेठ हाय कर दो। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है? सोनू सेठ कह रहे हैं, सोनू सेठ कह रहे हैं हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो। चाय का टाइम निकल गया भाई। तो कहाँ जा रहे हैं सोनू सेठ, कुछ बताना चाहेंगे आप? हम जा रहे हैं तारागढ़। वहाँ क्या करेंगे जाकर आप? वहाँ पे दरगाह की ज़ियारत करेंगे। अच्छा अच्छा जी। चलो फिर फुल एक्सप्लेन वीडियो बना रहे हैं आज, पूरी देखना। तो भाइयों, तारागढ़ में दरगाह शरीफ की ज़्यारत करने से पहले हम लोगों ने एक पानी की बोतल ले ली, क्योंकि चढ़ाई बहुत लंबी थी, 7.5 किलोमीटर लगभग चलना था हमें, और 1300 फीट ऊंची पहाड़ थी। तो हम लोगों ने पानी की बोतल ले ली, ताकि रास्ता में कोई थकान वगैरह ना हो, प्यास वगैरह लगे तो पी लें, क्या पता वहाँ ऊपर मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा था, कुछ पता भी नहीं था उस बारे में। तो भाइयों, ये रही वो रास्ता जिस पर चढ़कर हम लोगों को तारागढ़ जाना था। आधी रास्ता भी नहीं चढ़ पाए थे और थक गए थे हम, और हमारे सोनू सेठ दोनों थक कर बैठ के आराम करने लगे थे। आराम करने के बाद फिर हम लोगों ने करी बिस्मिल्लाह और फिर चल दिए ऊपर के लिए, और हम लोगों को रास्ते मिली एक आंटी जो कि कह रही थी पानी पानी, थोड़ा अच्छा काम करना। हम लोगों ने उनको पानी पिलाकर फिर चल दिए, और थकान बहुत फील हो रही थी, क्योंकि पहली बार चढ़ रहे हैं लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम ऐसे इतने ऊँचे जा रहे हैं, स्टेमिना वगैरह नहीं है इतना, क्योंकि 4-5 दिन से टहलना ही हो रहा है यहाँ दरगाह शरीफ तरफ, अजमेर शरीफ में कहीं ना कहीं टहलना हो रहा है। और फिर हम लोगों को एक ज़िद भी थी कि हाँ जाना है तो जाना ही था, फिर क्या था, चल दिए। धूप वगैरह का कोई मतलब ही नहीं था, धूप कितनी भी तेज होती जाना ज़रूरी था। तो भाइयों, थोड़ी दूर चलने के बाद हम और सोनू सेठ दोनों थक चुके थे, और थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे थे, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना ठीक भी नहीं, क्योंकि थकने के बाद बॉडी हीट है,
और ज़्यादा पानी पी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और अभी भी हम लोगों ने थोड़ा रास्ता भी नहीं कवर कर पाए हैं, पानी पिया, चले, रुके, फिर चले, फिर रुके, और फिर चल दिए हम लोग आगे के लिए। और ऊपर पहुँच कर हमें दिखा सबसे वंडरफुल नज़ारा, और ये कुछ नज़ारा नहीं, सबसे ऊपर पहुँचने के बाद और अच्छे नज़ारे देखे कि हम लोगों ने इस व्यू को काफ़ी अच्छी तरीके से इंजॉय करा और फिर चल दिए ऊपर के लिए। तो भाइयों, फाइनली हम लोग पहुंच गए बड़े पीर साहब की दरगाह शरीफ के पास, जहां की हमारे गौस पाक ने चिल्ला मुबारक करा था। और यहां पर जूते ले जाना अलाउ नहीं था, तो हम लोगों ने जूते उठाए और हाथ में लिए और फिर चल दिए ऊपर दरगाह शरीफ के लिए। तो भाइयों, ये रही वो दरगाह जहां हमारे गौस पाक यानी कि बड़े पीर साहब ने चिल्ला मुबारक करा था। और यहां से व्यू अनलिमिटेड दिख रहा था, बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था पहाड़ी का, और जो बस्ती है सब कुछ बड़ा अच्छा दिख रहा था। तो भाइयों, दरगाह शरीफ में पहुंचकर हम लोगों ने लिए चादर और फूल दरगाह शरीफ में पेश करने के लिए, और फिर जाकर दरगाह शरीफ में करी ज़ियारत, फातिहा करी। तो भाइयों, दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने के बाद हमने और सोनू सेठ ने दोनों लोगों ने बैठ के आराम करी, और यहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आराम करने के बाद हम लोग फिर चल दिए ऊपर के लिए, क्योंकि अभी हम लोग कुछ ही दूर पहुँचे थे और हमें चलना था काफ़ी दूर। अभी थक चुके हैं, हार्ट बीट बढ़ गई है बहुत, और चलते चलते आधा घंटा हो चुका होगा अभी, और अभी भी आधी रास्ता कवर नहीं कर पाए हैं। तो बने रहो, हल्के हल्के जो कुछ है सब कुछ दिखाएंगे। तो भाइयों, अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट आधा रास्ता क्लियर कर चुका है, और व्यू देखो, व्यू कैसा आ रहा है, एंजॉय करो। ये जो दिख रही है, ये अनर सागर लेक, ये जो दिख रही है ये अनर सागर लेक है, ये बस्ती है अजमेर शरीफ की, और ये अनर सागर लेक। थक के बैठ चुके हैं, सनसेट की हालत बेहाल हो रही है, पानी की बोतल ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन हिम्मत बांधी है, थक सब हम धो चुके हैं और लेग बिल्कुल पंप हो चुके हैं, लेग का वर्कआउट लग चुका है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, जाएंगे ज़रूर ऊपर भाई, कभी अगर आना होता है जाएंगे ज़रूर। तो भाइयों, हम लोगों ने करी आराम, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे। आराम करने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील करा, फिर चल दिए ऊपर के लिए। और रास्ते में मिली हमें एक स्पॉट मिला जहाँ पर ये हॉर्स के साथ सेल्फी वगैरह ली जा रही थी, फ़ोटो खींचे जा रहे थे, जिसकी कॉस्ट थी 20 रुपये, इसमें फ़ोटो निकाल कर दे रहे थे, तो मैंने खिंचवाई फ़ोटो। तो भाइयों, घोड़े के साथ जो हम लोगों ने सेल्फी ली थी, उस सेल्फी का प्रिंट आउट निकलवा कर फिर चल दिए हम लोग ऊपर। और आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों का हाल बेहाल हो रहा था, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर गर्मी बहुत थी। आपको पता है कि अगर कहीं पहाड़ी वगैरह अगर चढ़ो तो काफ़ी लोड पड़ता है, और गर्मी बहुत लग रही थी हम लोगों को। तो भाइयों, रास्ते में हम लोगों को लग रही थी बहुत प्यास, हम लोगों ने पिया गन्ने का रस और फिर चल दिए ऊपर, क्योंकि अभी तो बहुत दूर चलना था और हार माननी नहीं थी, तो चल दिए फिर ऊपर के लिए, क्योंकि तारा शरीफ में दरगाह शरीफ की ज़ियारत करनी थी आज के आज, और आज के आज लौटना भी था हम लोगों को। तो भाइयों, यहाँ आने के लिए गाड़ी वगैरह भी चलती हैं, फोर व्हीलर वगैरह चलती हैं, टांगे वगैरह भी चलते हैं, बट जो पैदल आने का मज़ा है अनलिमिटेड। लेग जो है, लेग का वर्कआउट हो चुका है, लेग का वर्कआउट बिल्कुल, लेग बिल्कुल पंप हो गई, उबाले मार रही हैं। चलो अब चल रहे हैं। तो भाइयों, हमें रास्ते में मिला एक कुआं जहाँ पर सब लोग अपना कान लगा कर देख रहे थे, तो मैंने पता करा यहाँ पर क्या सीन है। तो मुझे बाद में पता लगा कि यहाँ पर कान लगाने से घोड़े की चलने की दौड़ने की आवाज़ आती है, तो मैंने भी कान लगा कर देखा और रियली यहाँ पर आवाज़ आ रही थी घोड़ों की। सो फाइनली भाइयों, हम लोग पहुँच चुके हैं हज़रत मीरा सैयद हुसैन शाह की दरगाह पर,
और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी थक चुके थे, लेकिन दरगाह शरीफ पर पहुँचने के बाद काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। फिर हम लोगों ने ली यहाँ से नियाज और चादर ली फूलों की, फिर चल दिया दरगाह शरीफ के अंदर। तो भाइयों, आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी क्योंकि ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है। और बने रहिएगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।